हेलो स्टूडेंट्स, आज का एक्सपेरिमेंट है आरटीडीडी, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ये वर्चुअल लैब पे करेंगे हम। ये कंट्रोल पैनल है और इस पे हम मटेरियल सेलेक्ट करेंगे। जैसे प्लेटिनम लिया तो उसकी रेंज ये है, अल्फा वैल्यू ये है और टेम्परेचर रेंज भी यहाँ आ रही है। जैसे कॉपर सेलेक्ट किया, अलग अलग मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं तो उसकी रेंज ये यहाँ पर रेंज ये है। तो हम प्लेटिनम पे हमने किया पहले, तो उसकी हम R0 भरेंगे, 100 है सेलेक्ट किया हमने, और गेट टेम्परेचर करेंगे। ये हमारे पास टेम्परेचर आ गया है और फिर यहाँ एंटर आउटपुट भरेंगे हम वैल्यू। तो ये हम फार्मूले से निकालेंगे। ये राइट साइड देखिए, हमने फार्मूले पे क्लिक किया तो ये ऊपर हमारे पास फार्मूला आ गया। ये इस फार्मूले के हिसाब से हम अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। ये हमारे पास ये दी हुई है, हमारे पास मटेरियल की जो है रेंज जो वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है अल्फ़ा वैल्यू, और ये जो टेम्परेचर गेट टेम्परेचर किया था वो 7888 है। ये वाला 7888 टेम्परेचर गेट किया था हमने, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ R0 की वैल्यू 100 है, तो ये 100 है हमारे पास। और ये सॉल्व, ये हमने जब इसको किया तो 403.38 हमारे पास RT की वैल्यू आ गई है। ये हमने यहाँ पुट करनी है और फिर सबमिट करना है। तो ऐसे हमने 3 बार वैल्यू लेनी है अलग अलग। ये हमने सेलेक्ट कर दिया। अब हम फिर गेट टेम्परेचर पे क्लिक करेंगे। गेट टेम्परेचर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास टेम्परेचर मिलेगा। और जब हम ये हमने गेट टेम्परेचर पे किया क्लिक, और अब यहाँ ये फार्मूला यूज़ करेंगे, जो गेट टेम्परेचर आया है उसको यहाँ यूज़ करेंगे। और ऐसे 132.72 हमारे पास RT की वैल्यू मिल रही है, तो उसको यहाँ पुट करेंगे, सबमिट करेंगे और फिर एक तीसरी वैल्यू लेंगे। गेट टेम्परेचर पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास टेम्परेचर है। फिर हम फिर इसको फार्मूले से निकालेंगे, फिर 337293 आ गया हमारे पास। इसको पुट किया हमने यहाँ पे आउटपुट पे, तो फिर सबमिट करेंगे। तो अब हम एलिजिबल हो गए हैं, 3 बार कर दिया है। प्लॉट के लिए एलिजिबल हो गए हैं, ग्रीन हो गया है प्लॉट वाला, तो हम प्लॉट के लिए एलिजिबल हैं। हमने प्लॉट किया तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया है। तो जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और R की वैल्यू भी बढ़ रही है। ये देखिए ग्राफ, हम लेवल 2 के एलिजिबल हो गए हैं। अब 2 पे हमने क्लिक किया लेवल 2 पे, तो ये हमारे पास डायनामिक्स कैरेक्टरिस्टिक आ गया है लेवल 2 का। तो इसमें हम ये सारे सेलेक्ट करेंगे और इनको फिल करेंगे। वेयर पे क्लिक करेंगे और फिर हम मटेरियल सेलेक्ट करेंगे, और मटेरियल सेलेक्ट करेंगे, मटेरियल की थिकनेस सेलेक्ट करेंगे और थर्मोवेल का मटेरियल सेलेक्ट करेंगे और उसकी थिकनेस सेलेक्ट करेंगे। और ऐसे ही हम सारे सेलेक्ट करके इनको फिलिंग मटेरियल सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास ये ग्राफ आ गया है हमारे पास। इसमें हमारे पास थर्मोबेल की वैल्यू बढ़ी है और बेयर की वैल्यू लेस हुई है, ये देख सकते हो। थैंक यू।